चिल्लाना तू कैमरे के पीछे राइट हाँ एक और समझो सर लेफ्ट में सर मदन सर लेफ्ट में मारो सर लेफ्ट में अरे भाई सर लेफ्ट में सर
Thank you. Happy Republic Day to all. I've just finished watching Saala Khadoos, and it's a knockout punch. Tell me when to start. So I've just finished watching Saala Khadoos, and I'm still emotional. It's a knockout punch. It delivers. It's fantastic. It is basic. It reaches you. It is emotional. And I loved the girl. She's done extremely well. Madhavan, the story, the direction. I'm really kind of in awe of this film. सबसे खड़ूस डायरेक्टर नहीं प्रोड्यूसर मैं नहीं बोलूंगा प्रॉब्लम हो जाएगी खड़ूस डायरेक्टर कौन है यार पता नहीं पुराने जमाने में होते थे मेरे ख्याल से फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैंने सच सच कह दिया तो नहीं ऐसा नहीं है मेरा एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है एक्टर्स के प्रति तो मतलब स्पेक्टैक्युलर रहा है तो मैं बोल ही नहीं सकता कौन खड़ूस है जरूर कहा होगा साला तो बहुत लोगों का है साला खड़ूस का ही होगा पक्का मतलब कि जब मैं खास करके जब मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता था तब तो ज़रूर ही कहा होगा मुझे बहुत लोग कहते हैं मेरे असिस्टेंट्स ही कहते हैं यूनिट के लोग कहते हैं ऐसा मौका अक्सर आता रहता है जब मैं खड़ूस हो जाता हूँ मेरे ख्याल से अपने काम में अक्सर मुझे ऐसा होना होता है जब लोगों को लगता है कि ये सीन बड़ा अच्छा है इसको क्यों काट रहा हूँ मगर बोल मैं काटना होता है तो फिर खड़ूस बनना पड़ता है जी देखो आई थिंक दैट फिल्म्स अगर इफ द फिल्म्स आर गुड देन दे आर जस्ट गुड एंड दे विल फाइंड अ वे एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट एंड एवरीबॉडी शुड सपोर्ट बट स्पोर्ट्स फिल्म्स आर बीइंग सीन इन दिस कंट्री इन इंडिया अलॉट बिकॉज गुड स्पोर्ट्स फिल्म्स आर फाइनली बीइंग मेड इन दिस कंट्री लाइक साला खड़ूस लाइक चक दे Like Mary Kom and all that. All of these are such good films. Any sports personality जिसके ऊपर आप बनाना चाहें? आपने कभी सोचा? Sir, look straight. Yeah, नहीं नहीं, but नहीं see Azharuddin somebody is making a film on. I think that's good. Kapil Dev पे film बननी चाहिए मेरे ख्याल से. Most और शायद ध्यानचंद पे film बननी चाहिए पक्की बात. मैं हाँ बोलो. मैं अभी फिल्म बननी शुरू भी नहीं हुई है तो एक्साइटमेंट मुझे तो अभी से है बट बहुत पहले इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर के क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं मुझे लगता है अब हो गया लगता है आप लोगों का मैं जाती हूँ हाँ ओह यार आई हैव नो आइडिया देर इज नो वर्जन ऑन इट आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट आई डोंट इवन आई इट्स वेरी सब्जेक्टिव आई डोंट कमेंट ऑन अदर पीपल्स पर्सनल रिलेशनशिप्स थैंक यू वेरी इंस्पायरिंग मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी निकली और जो हमारी स्टार हैं मधि और माधवन दे आर फैंटास्टिक दे बोथ टोटली सरप्राइज मी एंड यू नो जब एक बहुत खूबसूरत अच्छी सिंपल सी फिल्म बनती है तो उसकी सिंपलिसिटी लोगों तक पहुँच जाती है अगर वो ऑनेस्टी के साथ बनी हो आई लाइक टू कंग्रेचुलेट द डायरेक्टर एंड राजू जी फॉर यू नो पुटिंग दिस ऑन स्क्रीन एंड आई एम All the best from my side. I think it's a beautiful, simple film, and people will like it. सुनील ये सब सब जानना चाहते हैं. Three sub questions. एक तो आपकी ज़िंदगी में साला खड़ूस कौन है? मेरे पापा. कहाँ हैं क्या आसपास? वो खड़ूस है इसलिए घर में बैठे हैं. सुनील दीजिए. आपने कभी सिंगर? खड़ूस सिंगर? सुखविंदर सिंह. बहुत खड़ूस. मतलब in a good way. And do people find you?
आई थिंक आपको लगता है मैं खड़ूस हूँ? नहीं, कुछ लोग सोचते हैं मैं खड़ूस हूँ. आई थिंक थोड़ा खड़ूस सबको होना चाहिए, आपकी अपनी जिंदगी है. जी अभी तक उस बारे में हम बात नहीं कर सकते, बट आपने पढ़ाई होगा उस बारे में, तो वो सच है. अब देखते हैं, वो जब डेट्स फाइनलाइज वगैरह होंगी तो जरूर करेंगे. ये बहुत ब्रॉड हिंट है, थोड़ा सा कंसाइज में दीजिए कि कौन एक्टर है, किस तरह की फिल्म होगी, मतलब किस तरह की. आई थिंक नागेश ने करना चाहती है, और किस तरह की. मैं बहुत अच्छे अच्छे रोल्स करना चाहती हूँ. मैं आई एम ओपन फॉर एक्टिंग नाउ. मुझे मज़ा आता है, मुझे फिल्म्स देखना अच्छा लगता है, मुझे अब एक्ट करना भी अच्छा लगता है. तो आई एड लाइक टू ट्राई माई हैंड इन इट. और जहाँ तक मेरी उस फिल्म की बात है, तो नागेश ने अपने इंटरव्यू में काफ़ी विस्तार में बता ही दिया था किस तरह की फिल्म है. नागेश कुकनूर. सो जब अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उसमें, तो जब डेट्स फाइनलाइज की जाएंगी तो ही हम शुरुआत कर सकते हैं. तो अभी वी आर वर्किंग ऑन दैट. फर्स्ट फेब से शुरू है? नहीं नहीं, अभी वी आर वर्किंग ऑन द डेट्स. थैंक यू सो मच. रिपब्लिक डे. सेम टू यू. हैप्पी रिपब्लिक डे. हाउ वाज द फिल्म? कैसी थी फिल्म? बहुत अच्छे थे. बहुत मुझे बहुत मोटिवेशन मिला इस मूवी में. बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लाइक हम लोग लास्ट 18 ईयर से हम जो फेस कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आए बॉक्सिंग के अंदर, और फिर हम लोग ने फाइट किया. पूरा लास्ट 15 ईयर से हम इंडिया टीम में खेल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो उसमें अभी इंडियन बॉक्सिंग में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा हाई दिखाया. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. रितिका को देखा आपने? बहुत अच्छा लगी है, मतलब बहुत अच्छी लगी है. वो बॉक्सर जैसा दिख रहा था. मैं मतलब उसने फाइट किया या पैडिंग या बैट बैक में मार रहे थे, जब रियल बॉक्सर लग रहा है. आप लोग करेंगे एक्टिंग अभी कुछ समय में? आप लोग हीरोइन बनना चाहती हैं? नहीं नहीं, हम रिंग के अंदर में हीरोइन ही हूँ, और बाहर में मूवी में नहीं. कोई एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहें, ऐसी कोई एक्टर जिसकी पसंद हो आप? अभी तक तो हमने सोचा नहीं है, क्योंकि अभी बहुत बिजी शेड्यूल हूँ. अभी ओलंपिक क्वालिफाई आने वाला है मार्च में, अभी साफ गेम है, तो कंटिन्यूसली हम लोग को फोकस गेम में फोकस है, तो बाकी टाइम सोचने के लिए अभी बहुत नहीं है. फोकस तो ठीक है, फिर भी कोई एक्टर ऐसा सोचा जैसे इम्तियाज जी पीछे से जा रहे हैं, उनके साथ काम करना चाहेंगे आप? Can you give an example, like any actor, actresses? Ritika, please guide them. They want, also want to become actress. एक सेकंड. क्या 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 हो गया आपको? आपको एक्ट्रेस बनना है? नहीं नहीं नहीं, नहीं बनना है. ये लोग बहुत डिफिकल्ट काम है. बहुत वही. कोई एक एक्टर करना हो तो आप बताएं, दोनों के लिए एक एक बता. अभी तक नहीं, ये है क्योंकि बॉक्सिंग के मूवी में ये अच्छा बॉक्सिंग कर रही है. आपके कलीग्स हैं आपके साथ में, इनका फीडबैक आपको कैसा लगा? एक्चुअली मैं इनको फर्स्ट टाइम मिली हूँ इन पर्सन, बट मैं जानती हूँ इन दोनों को. ऑफकोर्स बहुत फेमस बॉक्सर्स हैं ये, और जब इन्होंने बोला कि इनको फिल्म अच्छी लगी, तो बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, बस मतलब कम्प्लीट. थैंक यू सो मच. हमें जब बॉक्सिंग करते हैं, थोड़े विजुअल्स चाहिए. दिखाई कैसे करते हैं आप दो? फीमेल फीमेल की बॉक्सिंग. अरे हम लोग कपड़े की बॉक्सिंग तो एक्शन करते हैं. आप दोनों करो, आप दोनों. अभी तो बहुत जरूरी है, हर लड़की को बॉक्सिंग आना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए. आप दिखाएंगे तभी तो आएगा. कबीर आप आइए, एक मिनट. कभी लड़का लोग कभी लड़का डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे मारना है, वही दिखाना है ना. नहीं मैम, आप लोग अपने बीच में करिए, वही बनेगा अच्छा. वो बोल रहे हैं अपने आप करो, किसको क्या, एक दूसरे के बीच में लाइक शो योर पंचेस इन बिटवीन योरसेल्फ. लग जाएगा इसको. प्लीज मैम, प्लीज गो अहेड, कुछ कर दो. हां हां, या या, हां यस. नहीं आपने बहुत अच्छा कट मारा. जस्ट होल्ड लाइक दिस सो दैट दे कैन टेक पिक्चर्स. होल्ड लाइक ऑन योर फेस. यहां पर ऊपर लीजिए हाथ. हां हां, दिस वन, दिस वन. या यू आर लाइक
Yeah. Hold this pose for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And go in the front. Yes. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye, sir. Bye. Thank you. Yeah. Only how many days? 3 days to go now. 3 days, I know. Road screening hai? I think हम लोगों ने कल की थी चंडीगढ़ में. My package. Look straight. हाँ यार. Look straight into the हम लोगों ने कल एक रखी थी चंडीगढ़ में सिर्फ बॉक्सर्स के लिए. तो मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जितने बॉक्सर्स सब लोग आए थे और मतलब पागलपन हो गया थिएटर में. मतलब इतना मजा आया, पूछो मत, बहुत मजा आया. आमिर खान आने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ पे नहीं आएंगे, वो शायद दिल्ली में आएंगे जहाँ हम लोग कल जाएंगे. मैं बहुत सबकी फैन हूँ. मैं जैसे प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, सबकी मुझे सब बहुत पसंद है. सब सब एक्टर रणवीर सिंह, माधवन सर, शिट, ओके, माधवन सर, रणवीर सिंह, बस इतने. ठीक है. नहीं, अगर कुछ अच्छा मिलता है करने के लिए तो मैं एक्टिंग करूँगी. अदरवाइज जो बॉक्सिंग, जो बॉक्सिंग तो नहीं, मतलब कराटे की बॉक्सिंग बचपन से है मेरे साथ, मार्शल आर्ट्स बचपन से है, वो कभी छोड़ूंगी नहीं, वो तो हमेशा रहेगा लाइफ में. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. मैं एक्सपेक्टेशन कोई नहीं रख रही हूँ. मैं सोच रही हूँ कि वो आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है. मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फिल्म देखने आ रहे हैं वो, एंड बस मुझे उसी बात की बहुत ज़्यादा खुशी है. थैंक यू. थैंक यू.